सदर थाना क्षेत्र के बीजोपुर गांव में एक परिवार के घर के अंदर बकरी घुसने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के करीब चार लोगों पर लाठी फर्जी टांची से हमला कर दिया, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए परिजनों ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है। घायल ने बताया कि गांव बीजोपुर गांव में विशेष समुदाय के लोग सद्दाम हुसैन अब्बास इमरान खुर्शीद के परिवार की बकरी किशन सहाय जाटव के घर में घुस गई और घर में रखी उनकी प्यास को खाने लगी। तभी उसमें बकरी को भगाने का प्रयास किया। जैसे ही प्रयास किया तभी सद्दाम हुसैन अब्बास इमरान खुर्शीद सहित आधा दर्जन लोग किशन सहाय के घर पर आए और टाचिया और लाठी डंडे से किशन सहाय के परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें किशन सहाय के परिवार के चार लोग रेवती देवी, तारा देवी, किशन सहाय और कपिल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष समुदाय का घर गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है और उनकी बकरी अचानक गांव के किशन सहाय जाटव के घर में घुस गई और उनकी घर में रखी प्याज को खा गई। जैसे ही उसने बकरी को भगाने का प्रयास किया तो विशेष समुदाय के लोगों ने किशन सहाय के परिवार पर हमला बोल दिया। अब ये बताइए क्या नाम है आपका? कपिल नाम है मेरे। उनकी बकरी चल रही दो तीन, मतलब मैंने उनसे मना करी, उनने गाड़ी को कर दिया। कौन लोग थे? मैं ओके। कहाँ रहते हैं वो? गाँव में रहते हैं हम, थोड़ी बाहर रहते हैं। कौन सा गाँव है? बीजोपुर गाँव है। तो क्या हुआ था? बकरी चल रही थी, फिर मतलब गाड़ी को उतार देने लग गए, पापा भी आ गए, जब भैंस होगी उनने फोन करके बुला लिया दो तीन जना, फिर उन्हें चाटे उटे चलाया, पापा के टेंट में लगी, मेरे हाथ लगी, मम्मी के लग गई हाथ में, चाची के भी लग गई। मारपीट करने वाले कौन लोग है? गाँव थे मतलब एक सद्दाम, मौसी मुशरफ, इमरान, ताहिर और सदर। टोटल कितने लोगों के लगी है? टोटल चार लोगों के लगी। तो विवाद क्या था ये? क्या मतलब किस चीज को लेकर विवाद हुआ ये? हाँ सर, बकरी के ऊपर हुआ था, उसकी बकरी चल रही थी घर पर। किसकी? रहमान की। अच्छा, उनके परिवार में थी, वो आ गए, इतना ही में उन्होंने हमला कर दिया। किस चीज से किया है? एक चाटिया, लाठी, फरसी।